मैं आपका कुछ और नाम था। देखिए आपको मिसाल सिंपल बात है ना कि जब आप इमाम बुखारी इज नॉट इमाम बुखारी, दुनिया नोज हिम एज इमाम बुखारी बट हिज नेम इज वेरी लॉन्ग। आप तमाम आलम इस्लाम के 1400 साल की मुस्लिम तारीख के स्कॉलर्स, जनरल्स, मुजद्दद किसी का नाम उठा लीजिए, यू दे आर नोन बाय अ शॉर्ट आइडेंटिफिकेशन नेम। हजरत मुजद्दद अल-फिस्तानी उनका नाम नहीं है, दैट्स इज टाइटल मुजद्दद अल-फिस्तानी, दुनिया नोज हिम लाइक दैट। इकबाल का नाम, पूरा नाम आपकी पूरी पाकिस्तानी कौम को नहीं मालूम, पीपल नो हिम एज अल्लामा इकबाल, बट हिज नेम जो भी उनका नंबर। ये सवाल मैंने इसलिए किया कि क्रिटिसिज्म है आपके खिलाफ कि यू आर नॉट जस्ट एन आइडियोलॉग, आप खाली एक नजरियाती जर्नल नहीं है, आप एक वैसे तो बहुत सारी टोपियां पहनते हैं लाल के अलावा भी, मगर जैसे ये आपकी नई किताब है, ये लें हमारे कैमरे के लिए, फ्रॉम इंडस टू ऑक्सिस मेमोर्स हैं आपके, ये आपकी नई किताब है, आपने काफी सालों की इसमें आपकी जो कहानी है अफगानिस्तान से लेकर अब तक, आपने जिहाद में हिस्सा लिया एज अ मुजाहिद, आप लड़े, यू फॉट अलोंग सेवरल ग्रेट वॉरियर्स, वन ऑफ देम बीइंग अहमद शाह मसूद। इस किताब में इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इसको रिव्यू करेंगे थोड़ी देर में, मगर इस किताब के पहले पेज पे भी नहीं, पहले पेज से जो पहला पेज होता है उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, ज़ैद हामिद एंड ब्रास टैक्स आर हाईली रिस्पेक्टेड एंड एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम्स इन पाकिस्तान। ब्रांड हैं आप, खुद कह रहे हैं अपनी किताब में ब्रांड है, ब्रांड तो कोका कोला और पेप्सी होती है ज़ैद भाई, आप तो मतलब मुजाहिद हैं, ब्रांड क्या होता है? देखिए ब्रांड क्यों अपने आप को कह रहे हैं? देखिए हम लोग एक नया फिनोमेना है, बिकॉज इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जितने भी एग्जिस्टिंग ब्रैकेट्स हैं हम किसी में फिट नहीं आते, लोग हमें लिबरल, लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट या आइडियोलॉग, हर किस्म की चीज बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज तक किसी को यह समझ में नहीं आया, कोई हमें CIA का कहता रहा, कोई ISI का कहता रहा, किसी ने कादियानी कह दिया, किसी हम समझ में नहीं आए किसी की, और द फैक्ट इज कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल इस्लामिक मूवमेंट्स व्हिच हैव कम इन पाकिस्तान सो फार। मगर अपने आप को ब्रांड कहना, और एक और चीज फ्रेंकली डोंट माइंड इट बट ये बहुत लोग कहते हैं, तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज जो भी कह लें, I find it a little irritating as well कि आप एक ये royal we इस्तेमाल करते हैं, we, हम, who the hell is हम, who's we, I see one person, आपसे छह तो नहीं बैठे हुए मेरे सामने, what's this about, ये क्या है, ये larger than life egotistical किस्म का एक जो आपका persona है। ये तो point of view की बात है, हम जब we इस्तेमाल करते हैं तो we the patriots, we the brass tacks, we those ideologues के जो पाकिस्तान को इकबाल और कायद के नजरियात के मुताबिक बनाना चाहते हैं, I'm not alone, who said I'm alone, I'm one man. So you're not referring to yourself? No. We are an ideological group. रॉयल वी नहीं है, देखिए जो शहंशाह अकबर करता था। देखिए ना तो मैं एरोगेंट आदमी हूँ, जो रॉयल वी करता है बहुत एरोगेंट और मुतकब्बिर होता है। अल्लाह हैज मेड मी अ हम्बल पर्सन, दोज हु नो मी, दोज हु लिव विद मी, दे अल्हम्दुलिल्लाह कम अज कम वन एट्रीब्यूट दैट दे कैनॉट डेडिकेट टू मी इज एरोगेंस, दैट आई एम नॉट अल्हम्दुलिल्लाह, आई मे बी फर्म, आई मे बी स्ट्रांग, आई मे बी हार्श, बट आई एम नॉट एरोगेंट। ओके, let's talk about brass tacks, your think tank for a second. ye brass tacks ka brochure hai, glossy, very impressive, very impressive. ek to isme sabse badi cheez hai ki spelling mistake nahi hai jo zyada tar pakistani publications mein hoti hai, magar is brochure mein char safhe hain iske, 1 2 3 4, aapki ek tasveer, dusri tasveer, teesri tasveer, chauthi tasveer, panchvi tasveer, chhe tasveerein char safhon pe, agar jo mujhe samajh aati hai, zyada nahi aati, main bhi kafi theek thaak quitter ka hu, main छोटे सूबे का हूँ, छोटी मेरी आई गेस कम्युनिकेशन भी अगर आप हैं तो आप बड़े सूबे के हैं, वो सबसे बड़ा सूबा है, वो आप लोगों ने जो छोड़ा है वो बच गया, वो उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि ये थिंक टैंक कम और मेंबरशिप ज़ैद हामिद फैन क्लब मेंबरशिप ओपन क्लब ज्यादा लग रहा है, कल्ट ऑफ पर्सनालिटी ज्यादा है, हु एल्स इज इन योर थिंक टैंक, ये भी आप हैं, ये भी आप हैं, ये भी आप हैं, जो मुझे समझ आती है थिंक टैंक्स आर अ कलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स, है ना, 3 4 5 10 लोग होते हैं, इसकी वजह कई रीजंस हैं। पहली बात यह है कि जो मुख्तलिफ तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ रोल्स हैं, दे मुख्तलिफ ड्यूटीज, दे मुख्तलिफ, क्योंकि हमारा एक एक्सेस आइडियोलॉजिकल है, एक एक्सेस जियोपॉलिटिकल है, एक एक्सेस इस्लामिक है, एक एक्सेस हमारा इकोनॉमिक है, और मुख्तलिफ एक्सेस हैं मुख्तलिफ। और जब हम बात करते हैं, आप हमारे अगर पॉलिसी पेपर्स देखिए तो हमारे पॉलिसी पेपर्स सिर्फ मेरे लिखे हुए नहीं है, एक बहुत बड़ी टीम है जो पॉलिसी पेपर्स लिख रही है, सब पे नाम है उन लोगों के मौजूद, लेकिन एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, एज अ स्ट्रेटजी, चूंकि काम हम इंतहाई खतरनाक कर रहे हैं, इसमें से कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता, और इस वजह से ये हमारी स्टैंडर्ड पॉलिसी रही है कि हम सिर्फ अपने आप को एक्सपोज करेंगे, एंड आई एम बीइंग, दिस इज समथिंग दैट वी हैव डिसाइडेड डिलिबरेटली, आर टीम विल नॉट बी एक्सपोज्ड जब तक के, क्योंकि इस वक्त हम वल्नरेबल हैं, मुझ पर 10 मुकदमे बने, ये आप सेफ्टी रीजंस के लिए अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, दैट्स योर आंसर? नो, दैट्स नॉट माय कंप्लीट आंसर, दैट्स वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट नंबर टू इज दैट, यानी जो मैन और मिशन आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं,
देयर इज अ सर्टेन टाइम व्हेन मैन हु इज हेडिंग हु हैज स्टार्टेड ऑफ दैट मिशन इज पार्ट ऑफ द मिशन. ये नहीं हो सकता, मिसाल के तौर पर अगर ग़ज़वा उहद में हुज़ूर शहीद हो जाते जैसे कि खबर उड़ गई थी, तो उसके बाद मुझे बताइए क्या इस्लामी तहरीक उसके बाद चल पाती या खत्म हो जाती. सलाहुद्दीन अय्यूबी अगर शुरू में शुरू भाई अंडरस्टैंड रिलीजियस प्रेफरेंसेस आपकी अंडरस्टैंड मुझे सम, जो देखें मेरी जो 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 मेरी कम 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 अंडरस्टैंडिंग में बहुत बहुत नीची जो मुझे बिल्कुल फारिग आदमी हूं मैं, बिल्कुल फारिग उल बाल भी हूं एज योर फेवरेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ कॉल्स नवाज शरीफ. मुझे ये बताइए कि थिंक टैंक में एक पैनल होता है, लोग होते हैं, नैरेटिव्स होते हैं, मल्टीपल नैरेटिव्स होते हैं, आप बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं और एक उनका नजरियाती स्टैंड होता है. रैंड कॉरपोरेशन, रैंड इंस्टीट्यूट जो भी कह लें, कहता है कि हम राइटिस्ट हैं, ब्रुकिंग्स कहता है हम सेंट्रिस्ट हैं, ये हमारे क्लाइंट्स हैं वगैरह वगैरह. आप पे बहुत सारे इल्जाम हैं, ब्रास टैक्स को के बारे में कहा जाता है कि ब्रास टैक्स इज अ फ्रंट फॉर द ISI, ब्रास टैक्स सऊदीज के लिए फ्रंट है, वहाबिस के लिए फ्रंट है, ये वो इरानियंस के लिए भी, ये भी इल्जाम. अच्छा, और फिर ब्रास टैक्स फॉरेन फंडिंग लेता है. इनफैक्ट आपकी 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 वेबसाइट पे खुद लिखा है कि $300 आप एक्सेप्ट करते हैं फॉर अ रिपोर्ट, फॉर अ रिपोर्ट, इट्स लाइक सेलिंग न्यूज़पेपर.